तो हाय गाइस, दिस इज नाशित और इस वीडियो में हम बात करेंगे जोकोविक और फेडरर के बारे में, जो मैच होने वाला है विंबलडन 2019 फाइनल। तो ये देखना होगा सबसे पहले कि जोकोविक और फेडरर का मैच 2012 सेमीफाइनल में विंबलडन में हुआ था, जिसमें फेडरर जीता था, और उसके बाद से जोकोविक ने फेडरर को हर एक ग्रैंड स्लैम मैच में हराया है। मतलब 3-4 बार उसके बाद से मिले हैं, 2 बार 2014 और 2015 में लगातार फाइनल में मिले हैं, और दोनों में जोकोविक को हराया है। तो हाय गाइस दिस इज नाशित और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि जोकोविक और फेडरर का जो मैच होने वाला है तो वो कैसे जाएगा, और स्टैट्स सब कुछ नहीं होता है, सब कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जोकोविक जीतेगा, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फेडरर जीतेगा। मैंने आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने बोला था कि फेडरर जीतेगा नडाल से भी, और नडाल से जीत गया। और ऐसा नहीं है कि फेडरर बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था नडाल से, लेकिन मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग था। देखिए आप, लॉन्ग रैलीज काफ़ी ज़्यादा थी, और मतलब एकदम अपोजिट है ये, लॉन्ग रैलीज नडाल और फेडरर के बीच में हमेशा नडाल जीतता है, लेकिन ग्रास कोर्ट पे थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अभी जोकोविक के साथ मैच होने वाला है, तो उसमें जो टैक्टिस फेडरर ने नडाल के साथ लगाई थी वो जोकोविक के साथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि जोकोविक ऑन द राइज शॉट ज़्यादा खेलता है नडाल से, तो सर्व एंड वॉली उतना ज़्यादा नहीं कर सकता है फेडरर। तो जोकोविक का रिदम तोड़ने के लिए फेडरर को मैच खेलना होगा, मतलब फर्स्ट सेट पहला जीतना होगा, अब वो कैसे भी जीते लेकिन फर्स्ट सेट जीतना होगा। और टैक्टिकली हमको, मतलब पहले का मैच हम देख रहे थे, तो सबसे पहले कि 2017 के बाद जब फेडरर ने मतलब बड़ा रैकेट लिया था, इंजरी के बाद आया था, तो उसका बैक हैंड इम्प्रूव करके आया था, तो उसके बाद से थोड़ा स्ट्रैटेजी उसकी चेंज हो गई है, तो मतलब थोड़ा ऑन द राइज खेलता है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। तो फेडरर इस मामले में जोकोविक को मुश्किल देगा, और आप ये देख लीजिए कि 2017 के बाद फेडरर और जोकोविक का ज़्यादा मैच नहीं हुआ है। हमको याद है पेरिस में मैच हुआ था, जिसमें फेडरर ने मतलब हरा दिया था, मैच पॉइंट भी मिला था सेकेंड सेट में, लेकिन उसके बाद से वो थर्ड सेट में जोकोविक जीत गया था। लेकिन आप देखिए कि वो जो सर्फेस है पेरिस का, और यहाँ ग्रास का, पेरिस का थोड़ा फास्ट सर्फेस है, ग्रास और ज़्यादा फास्ट है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कोर्ट स्पीड में, और जोकोविक के पास अच्छी स्लाइस नहीं है। 2014 में जब फाइनल में विंबलडन के मिला था जोकोविक और फेडरर का जब मैच हुआ था, तो उस वक्त जोकोविक उस वक्त मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। बटिस्टा अगुट, और ये देखना होगा कि सेमीफाइनल में किसके साथ मैच हुआ है, तो बटिस्टा अगुट के साथ मैच हुआ है नोवाक जोकोविक का, और नडाल के साथ मैच हुआ था फेडरर का, तो नडाल के साथ मैच हुआ और नडाल के साथ जीत गया। और कोई ओपोनेंट से फेडरर जीतता तो बात अलग होती, लेकिन नडाल के साथ जीता, जो मतलब उसका सबसे बड़ा राइवल है, और क्या कह सकते हैं, मतलब अभी फ्रेंच ओपन में हारा था उससे, भले वो वाला मैच मतलब मौसम की खराबी की वजह से खराब हो गया था। हाँ, तो ये देखना होगा कि फेडरर नडाल के साथ खेल के आया है, और नोवाक जोकोविक बटिस्टा अगुट के साथ खेल के आया है, और बटिस्टा अगुट के साथ काफ़ी मतलब उतना अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन ये भी कहते हैं लोग कि नोवाक जोकोविक को जितना ज़्यादा जीतने के लिए चाहिए होता है उतना ही अच्छा खेलता है, मतलब वो लेवल बढ़ाता रहता है, मतलब ग्रैंड, मतलब जैसा ओपोनेंट रहता है उस तरीके से खेलता है। और फेडरर और नडाल थोड़ा मतलब अपने मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए फर्स्ट राउंड में भी वैसे ही खेलते हैं, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन बैकहैंड स्लाइस जोकोविक का उतना अच्छा नहीं है जितना फेडरर का अच्छा है, और नोवाक जोकोविक और हाँ, तो अब बात करते हैं कि कैसे फेडरर हरा सकता है नोवाक जोकोविक को। तो देखिए, जैसे ज़्यादातर फेडरर अपनाएगा कि बैकहैंड स्लाइस करके नेट पर बुलाएगा जोकोविक को, और नेट पर कुछ गलती होगी तो उसके बाद से फिर नोवाक जोकोविक थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो इस वजह से भी वो मैच हारता है। नोवाक जोकोविक का ओवरहेड उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है अगर नेट पर बुलाएगा फेडरर उसको, तो बैकहैंड स्लाइस शॉर्ट, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, उसमें वो करके थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन लाके। लेकिन मैं ये भी नहीं देख सकता हूँ कि फेडरर अगर हारेगा तो बेसिकली फिजिकली वो नोवाक जोकोविक के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। फेडरर का एज भी उतना ज़्यादा है, और उतना ज़्यादा अच्छा एथलीट नहीं है जितना ज़्यादा अच्छा नोवाक जोकोविक है। लेकिन अगर आप फुटवर्क की बात करें, तो रॉजर फेडरर का फुटवर्क ग्रास कोर्ट पे मेरे ख्याल से नोवाक जोकोविक के
बराबर है, दोनों का मतलब इक्वल है। और नोवाक जॉक और एक बात, फेडरर ने दूसरा सेट 6-1 हारा था नडाल से, तो मतलब उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि पहला सेट उसने पूरा दे दिया था, और सेकंड सेट में अगर वो पूरा फिजिकली दे देता तो फिर थर्ड सेट में उसके पास बचता कि नहीं बचता, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं फिजिकली। तो लेकिन नडाल इस वजह से सेकेंड सेट मैच, मतलब मेरे को लग रहा है कि फेडरर ने टैंक कर दिया था, मतलब कि गिव अप कर दिया था, थोड़ा अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना रहा था, और उसके बाद से फिर मतलब छोड़ दिया। उसके बाद थर्ड फोर्थ सेट में मतलब अपने को मेंटली और फिजिकली थोड़ा ब्रेक दे रहा था। तो इस तरीके से भी ये भी टैक्टिक्स अपना सकता है जोकोविक के साथ कि फर्स्ट सेट में जितना देना है दे दो, जीत गए तो यू आर इन द मैच, अगर नहीं जीते तो मतलब यू आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मैच। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जोकोविक मतलब अभी वो ज्यादा, जाहिर सी बात है, और मतलब अभी वो ज्यादा मतलब यंग है, तो फिजिकली फेडरर से ज्यादा अच्छा है, और फेडरर के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है जितना जोकोविक के पास टाइम है। जोकोविक ग्रैंड स्लैम मतलब सबसे ज्यादा जीतने के लिए हर एक इंटरव्यू में आजकल कहता है कि उसका मतलब, ये तो एक क्लीशे है कि वो सब कोई कहते हैं कि हमको अपना गिव बेस्ट गिव दे, मतलब बेस्ट देना है कोर्ट पे, और उसके बाद से फिर कुछ नहीं मतलब। लेकिन उसके बाद से मतलब जोकोविक की तारीफ करनी होगी इस मामले में, क्योंकि वो ऑनेस्ट रहता है और वो बोल देता है कि मतलब सबसे बड़ा मतलब मेरा गोल है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अपनी लेगेसी बनाने के लिए, और फेडरर के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, मे बी 1-2 ईयर, मतलब अभी भी 38 है और 1-2 ईयर कह रहा है, क्योंकि फिजिकली वो काफी सही है, मतलब काफी अच्छा है, और मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अगले साल वो फिजिक की वजह से अपने वो रिटायर हो जाएगा। तो हम तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इन फोर सेट फेडरर विल विन, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम तो ये कह रहे हैं कि फेडरर जीत जाएगा 4 सेट में, क्योंकि मतलब आई एम प्रिडिक्टिंग फेडरर विल विन इन 4 सेट्स, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब हम फेडरर के पास ज़्यादा वैरायटी है, और हमको लग रहा है कि फेडरर थोड़ा ज़्यादा मेंटली फोकस है, मतलब उसको कहते हैं टनल विजन। और नडाल के साथ जो मैच हुआ था उसमें हमको लगा था कि टनल विजन में है वो। तो बस यही सब कहना था और यही सब थॉट्स था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।